होली के त्योहार को बदनाम किया। जापानी लड़की के साथ छेड़खानी करने वाला वीडियो आया सामने। आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली से एक शर्मनाक घटना सामने आई। दिल्ली में होली के दिन एक जापानी लड़की के साथ तीन लड़कों ने जबरदस्ती और छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़कों ने जबरन लड़की पर रंग लगाया और लड़की के सर पर अंडा भी फोड़ा। इस घटना से नाराज होकर पहाड़गंज में रहने वाली जापानी लड़की ने भारत छोड़ दिया और वह बांग्लादेश चली गई। डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सेन ने इस घटना की FIR दर्ज की है। दिल्ली कमिश्नर ऑफ वुमेन स्वाति मल्लीवाल ने इस घटना को शर्मनाक बताया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि एक नाबालिग समेत तीन लोगों को पकड़ कर पूछताछ की गई है। उन्होंने इस घटना में अपनी इन्वॉल्वमेंट को कबूल कर लिया है, जिसे इस वीडियो में भी देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि सभी आरोपी पहाड़गंज इलाके के रहने वाले हैं। इस घटना की जानकारी खुद महिला ने ट्वीट कर दी थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है और लोगों ने कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस काफी एक्शन में नजर आई। इस मामले में और भी अपडेट्स आ सकती है। तब तक के लिए आप गले न्यूज के साथ बने रहें।